बाबू जी मैंने कुछ करा ही नहीं, इससे पूछ लो, लड़के लड़का भी यहीं पर ही है। पकड़िए, मैं लाओ कॉलेज पर। सच बता कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। ये लो। और ये बोल रहे हैं, ये देखा हमने, ये डर रहा है। मैंने उसको मारा कोई? एक बारी साइड आगे आएगा, पुलिस में पकड़वा देंगे। अगर अगर कुछ किया है ना तो सच बता, आगे सच बतानी पड़ेगी। सच बता कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया है। सच में कुछ नहीं किया? सच में कुछ नहीं। तेरे को दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने कुछ किया होगा, तू झूठ बोल रहा होगा तो। ये देख लेना, ये वीडियो जाएगी, ऐसा भी देख रहे हैं इस वीडियो को। कौन आ गया? बता दे सच में, एक मिनट। क्लिप हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे। ये जैसे इन दो बच्चों को लेके ये बोल रहे हैं कि एडमिशन करवाने। एक मिनट। तो सर एडमिशन तो पीछे गांव वालों ने इनको पकड़ रखा था साखोड़ में। अच्छा। कि ये इन बच्चों के साथ कुछ गलत काम कर रहे थे। ये अभी यहाँ से एक मिनट ये मैंने ये बांध के नहा रहा। एक मिनट रुको, अपने डॉक्यूमेंट दिखा दो सर को। कोई आधार कार्ड या कुछ? ये सर बियर भी बोल रहे हैं, कुछ इन्होंने बियर भी पी रखी है इस मामले पे। जैसे अब सर जांच कर रहे हैं, हम डायल 112 का भी काफी वो करते हैं कि मौके पर इन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। अब सर जांच कर रहे हैं, इस जांच में पता लग जाएगा कि कैसे क्या होता है। क्या बात हुई थी? अरे भाई जी कुछ नहीं हुई, मैंने है ना खाली लुंगी बांध रखी थी। ठीक है, ये गमछा होता है जो गमछा बांध रखा था मैंने, गमछा बांध के थोड़ा आपको पता हवा बढ़ जाती है उसके अंदर, तो थोड़ा नीचे अंडरवेयर नहीं पहना हुआ था मैंने, तो इससे पूछ लो बच्चे से अगर मैंने कुछ इसके साथ काम किया तो। अच्छा, ये बात कहाँ की है, कौन सी जगह की? ये नहर की है, इधर की है, नहर की है। वो देखो आ रहे हैं भाई साहब, आ गए, आ जाओ, ये मारे मोरेंगे फिर यार दिक्कत। कोई नहीं मारेगा, क्या बात होगी? ओए अरे हमारा ये हमारा यार कैमरे मारा का तरह, ये नुदे काये होंगे कैमरे का तरह। कोई नहीं, ओए छोटे इधर आ, बच्चे से पूछ लो, ये बच्चे क्या बात होगी? यो था तेरे साथ में? हाँ ये था। क्या बात होगी यार? कुछ भी नहीं पता है। कुछ किया है? कुछ गलत काम कुछ किया है? गलत काम नहीं किया अंकल। फिर ये देखा, ये भैया क्या बोल रहे थे? मैं दूर खड़ा था। तू साथ में? नहीं मैं साथ में नहीं था। एक मिनट आ गया। कौन से कुछ देखा है इसको करते हुए? हाँ तूने देखा है? हाँ। क्या कर रहा था ये? ये पानी में था। ये तो आया नहीं था। ये भाई छोटे वाले भाई बताने लग रहे, वो अंकल भी बताने था। आप इससे पूछो। नहीं नहीं एक चीज बताओ, वैसे आप क्या लगते हो इसके? मैं इनका पड़ोसी हूँ, एक भतीजा भी लगता हूँ, चाचा लगता हूँ इनका, मैं पड़ोसी हूँ उनका, बिल्कुल टच में है मकान हमारा। कौन से ने देखा था तुम्हें? देखा कौन से ने था? ये लो एक मिनट क्या देखा? हमने देखा कि ये नहर में चुटु बार था, गलत काम कर रहा था इसके साथ। अच्छा इससे पूछ लो आप। ये और किसने देखा है? तूने देखा है? तूने क्या देखा? ये इसके साथ गंदे काम कर रहा था। उससे अलग भी देखा है किसी ने? फिर तुमने किसको बताया कि ऐसा कर रहे हैं? हमने देखो ये आए जब इनसे बोले, अंकल से भी बोले। क्या बोले अंकल जी? ये बच्चे क्या बोले आपसे? ये बोले कि ये इसके साथ गलत काम कर रहा है। अच्छा फिर ये बात कराई घर पे इनके बाद? हाँ इसके बाप से बात हुई, मगा भाई तुम्हारे बच्चे के साथ ये नहर के अंदर गलत काम कर रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखा है इनने, और ये बता रहे हैं। अरे पापा से बात नहीं करवाई, अकेले बात किया इन्होंने। बात करवाई थी इसे। इनके पापा ने क्या बोला? इसका पापा ने बोला ये कहाँ पे है, मगा ये नहर पे है, इस टाइम दारू पी रखा है इसने। ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ रखा हूँ मैं, ये इनका एडमिशन के लिए, ये स्कूल में, ये सरकारी स्कूल। अच्छा रहने वाले कहाँ के हो आप? हाँ जी रहने वाले कहाँ? मैं तो जी प्रॉपर दिल्ली का हूँ, बाकी मैंने यहाँ जमीन ले रखी मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा, जमीन ले रखी बराई गाँव में, वहाँ जमीन कट रही है? नहीं तो वहाँ जमीन ले रखी। एक बार पापा से बात करा दो इनकी, एक बार दोबारा कॉल कर। पापा की बात करवा दी? एक बार करवा दो। अच्छा आपकी, आप कर लो बात। वही तो कह रहा हूँ, कॉल में आ रहे लोग। खोली बेटा, हाँ रिक्शा चलाते हैं मंडी में, पल्लेदारी करते हैं। एक बार बात करवा रहे हैं अभी, बताते हैं आप लोगों को। ऐसे अवगाह करेंगे तो और बात फैलती है, जब मेन बंदा ही नहीं बोल रहा। वही तो कह रहा हूँ ना, डाउट क्लियर हो जाए इनका भी। फोन तो ना उठा रहे हैं। उठा लेंगे मेन बंदा ही नहीं बोल रहा। नहीं मारा नहीं, दारू भी पी रखी है क्या कुछ? मैंने बियर पी रखी जी, मैं झूठ क्या बोलूं? देखो बियर पी रखी मैंने। ऐसे तो गलत बात है ना बच्चों के साथ। नहीं नहीं मैंने कुछ करा नहीं बाबू जी, मैंने कुछ करा ही नहीं, इससे पूछ लो, लड़के लड़का भी यहीं पर ही है। पकड़िए, मैं लाओ कॉलेज पर। सच बता कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। ये लो। और ये बोल रहे हैं, ये देखा हमने, ये डर रहा है। मैंने उसको मारा कोई? एक बारी साइड आगे आएगा, पुलिस में पकड़वा देंगे। अगर अगर कुछ किया है ना
तो सच बता, आगे सच बतानी पड़ेगी। सच बता, कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया है। सच में कुछ नहीं किया? सच में कुछ नहीं। तेरे को दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने कुछ किया होगा, तू झूठ बोल रहा होगा। तो ये देख लेना, ये वीडियो जाएगी, ऐसा भी देख रहे हैं इस वीडियो को। कौन आ गया? बता दे सच में, एक मिनट फोन ले लिए, एक बार फोन ले ले। किया है कुछ? कुछ भी नहीं किया। नहीं किया सच में? चलो एक मिनट बात कर लेते हैं। हाँ फाटक पे आ गए, लो बात कर लो एक बार। हेलो, हाँ जी, तो एक बात बताओ, ये लड़का आपका है? ये लड़का जो इनके साथ में, ये आपका लड़का है क्या? अच्छा अच्छा, और ये जैसे बोल रहे हैं कि कुछ गलत काम कर रहे हैं इनके साथ में, ऐसा कुछ भी है? हाँ तो आ जाओ एक बार, लो किसी पे। क्या नाम है तेरे पापा का? कहाँ गया वो लड़का? क्या नाम है तेरे पापा का? क्या नाम आपका? चलो ठीक है, सही है जी, अपने को बचा के रखा रहो ऐसे थोड़ा कुछ कर। प्राइम मोड पे आ जाओ। ठीक है, लो बोल दो। हेलो, तो जैसे इनकी वीडियो हमने बना दी, आप लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों के आरोप थे कि ये कुछ गलत काम इनके साथ कर रहे हैं। बाकी इनके घर पर बात हो चुकी है, बाकी ये वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ भी सकते हैं कि बाकी आगे क्या है, और बाकी इस वीडियो को शेयर करें। अगर ये बच्चा कहाँ पे गया देखो एक बार, ये बच्चा है इसको देख ले ध्यान से, इनके पापा से कॉन्टेक्ट कराएं इनका, अगर वो ऐसा कुछ है तो आप लोगों से ये अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप लोगों, तो जैसे अब आप लोगों को जैसे जो क्लिप हमने दिखाई थी, आप सामने देख सकते हो, वो जा रहा है उन लड़कों के साथ, और एक बार ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो उस बच्चे को डराने की कोशिश कर रहा है, और वो बच्चा दबाव में कुछ नहीं बता रहा। अब ब्राई मोड पर जो बोल रहा है कि उसके पिताजी आएंगे, तो एक बार वहाँ पर डाउट क्लियर करते हैं और क्लियर पूछते हैं कि क्या बात है, अगर ऐसा हमें कोई शक लगता है तो पुलिस को हम बुलाने का काम करेंगे। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने चल रहे हैं, अब इसने BRBP रखी है और लोग भी शक जता रहे हैं, लेकिन जो लड़का इनके साथ में है वो अभी लगातार ऐसे दबाव बनाए हुए और वो बता नहीं रहा कि क्या है। ये बोल रहा है कि बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए लेकर आया था। आप लोगों ने पूरी क्लिप देखी होगी। अब आखिरी एक क्लिप बराई मोड पर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या सच में ऐसा मामला है या सच में ये झूठ बोल रहे हैं कि वे लड़के झूठ बोल रहे हैं। बाकी किसी, आप भी समझ सकते हैं, कोई और व्यक्ति किसी और के मुद्दे पर क्यों झूठ बोलेगा, आप लोग भी इस बात को भली बातें जानते हैं। अब बराई मोड से डायरेक्ट आपको वीडियो दिखाते हैं, अगर वहाँ कुछ होगा तो भी आप देखने का काम करेंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो आप लोगों को हम पुलिस से, अगर कि पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस को बुलाने का काम करेंगे। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें लगातार। तो जिस प्रकार अब मुख्य रूप से हमें डायल 112 की टीम नज़दीक ही मिल गई है, और ये इनको इनके पिताजी बोल रहे हैं कि इनके पिताजी हैं। आप इनके पिताजी? हाँ, मैं इनके पिताजी हूँ। और रहते कहाँ पे आप? ये दुर्गा विहार में। पीछे जैसे आपने ये कुछ बात ये चल रही थी वहाँ पे कि ये इनके साथ में थे नहर में, इनको तैराने का काम करवा रही थी, नहर में नहला रही थी, और फिर इनके साथ कुछ गलत काम किया, कुछ बच्चे बता भी रहे थे, वो क्लिप हमारे पास अभी भी पड़ा है। एक मिनट, मैं तो इनको एडमिशन करने भेजा था। सगे भाई आपके? नहीं, भाई नहीं है, पड़ोसी है हमारे, बाल बच्चेदार हैं जो, इसलिए इनके ऊपर भी सवाल। हमें तो देखो, हमारा तो एक सामाजिक दायित्व तो बनता है, वहाँ भीड़ आपको घेर भी रही थी, भीड़ आपको पीट भी सकती वो तो थी, मार रही थी इकट्ठे, तो हमारे तो भीड़ों ने इनको नहीं छेड़ा। लेकिन डाउट ये बन रहा है कि सर, जैसे नमस्कार जी, नमस्कार सर, जैसे एक क्लिप हमारे पास हम आपको दिखाई भी है, ये जैसे इन दो बच्चों को लेके ये बोल रहे हैं कि एडमिशन करवाने, एक मिनट, तो सर एडमिशन, तो पीछे गांव वालों ने इनको पकड़ रखा था साखोड़ में। अच्छा। कि ये इन बच्चों के साथ कुछ गलत काम कर रहे थे, ये अभी यहाँ से एक मिनट रुक जाओ, ऐसे बैठ गया पानी में, इन बच्चों से करी आपने बात? सर मैं बताता हूँ, एक बार अंदर बुला के पूछ लो सर, या तो बच्चे जैसे दबाव हो जाता है। अब सर के साथ एक बार अंदर चलते हैं और बार डाउट क्लियर करते हैं, तो सर एक बार पूछ लेना। अब जैसे मुख्य रूप से सर अभी पूछ रहे हैं, कुछ इन्होंने दारू भी पी रखी है, इसका पता आपको? भाई दारू तो बियर बोल रहे हैं, बियर बोल रहे हैं भाई, दारू तो शाम को पिए थे, मैं तो सुबह मंडी चला गया। अब खुद बोल रहा है, वीडियो में बोल रखा है किसने बियर पी रखी है, बियर भी थी, बियर पी रखे है भाई, ये तो मेरे को पता नहीं। मैं तो कुछ शक है नहीं, वैसा शक तो नहीं है, क्यों भाई, ये परिवार वाले हैं। पर वो तो ठीक है, पर एक चीज सोचो, अब मैं रोड पे चल रहा हूँ, कोई मेरे को बगैर बात तो छेड़ेगा नहीं, वो गाँव वालों ने इनको पकड़ रखा था, क्या लगता है आप खुद सोचो एक बात, सोचने की ना, एक आपके बच्चे हैं, चलो आप 10 मिनट अपने अपने बच्चों, 10 मिनट अपने बच्चों की खुद भी निकाल सकते हैं आप भाई, वो तो आपकी बात जायज है, पर आज के दिन आपको ये पता है कि किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और फिर भी ऐसा काम हो रहा है भाई, मान लेंगे आप, ये टीम हमें मौके में मिल गई, हमने इनसे डाउट क्लियर करा लिया, आपकी आपकी बात मान लेंगे हम, पर बालक ये जो बता देगा ना, हम इसकी बात मान लें, वो तो मैं बात मानेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जो शक का है ना हमें तो क्लियर करना होता है। वो तो आपके पास सही देखो। क्या 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 किया था जैसे घर से कितने बजे आए थे सुबह? बेटा सही बताइयो, घर से कितने बजे आए थे? हम आए थे 10 बजे। 10 बजे आए थे? और फिर पहले कहाँ पे गए? पहले हम गए थे स्कूल में। स्कूल में कौन से स्कूल में? यहाँ आगे। अच्छा एडमिशन का चक्कर। अच्छा फिर उसके बाद? उसके बाद हमें नहर पे जाने के लिए किसने बोला था? सच बताना। हमने बोले कि हमको भूख लग रखी है। अच्छा। अंकल बोले चलो कुछ खा लो। अच्छा, तो हम जाके खा रहे थे। फिर वही आदमी आया, वो फिर जब ये अंकल नारे लग गए, आदमी आके बोले ये गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। फिर आपने कुछ आपके साथ भी कुछ हाथ पकड़ा था नहर में जैसे आप जब वो कर रहे थे? नहीं नहीं। चलो ठीक है, तो जैसे अब सर से पूछते हैं, तो सर जैसे आपने बात की होगी, आ गया ना थोड़ा सर आपने बात की होगी, तो क्या क्या लग रहा है सर? ये तो कर रहा है मेरा पापा है ये, कोई ऐसी बात नहीं सर। तो बाकी एक बार कुछ सर चेकिंग वगैरह करोगे इनकी, कुछ डॉक्यूमेंट इनके पिताजी कंफर्म, फिर हम भी सर इनको जाने दें। दिखाओ भाई अपने डॉक्यूमेंट सर को, कोई आधार कार्ड या कुछ? ये सर बियर की बोल रहे हैं, कुछ इन्होंने बियर भी पी रखी है इस मामले में। जैसे अब सर जांच कर रहे हैं, हम डायल 112 का भी काफ़ी वो करते हैं कि मौके पर इन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। अब सर जांच कर रहे हैं, इस जांच में पता लग जाएगा कि कैसे क्या होता है। ये बड़ा ही में रह रहे हैं, बता रहे हैं सर। अच्छा एड्रेस तो तुम्हारा छोटू राम नगर का पार्क का। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप अपना और दिखा देना एक बार। पिताजी आपके पिताजी हो ना, तो नाम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं आधार कार्ड तो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। दिखा दो फिर, दिखा दो एक बार। ये नाम भी नहीं क्लियर हो जाए, वैसे भी नहीं कि मैं जैसे लिख रखा है यहाँ पे, दिखा दो इसमें भी है। हाँ दिखा दे, कोई बात नहीं। ये बच्चों का, ये मदर का। कितनी है तेरी डेट ऑफ बर्थ? पता नहीं भाई, आप वैसे तो मेरे 40 हो रही है। मर 40? ये इनकी मदर का है। और इसमें पिताजी, इसका पिताजी नाम लिख रखा है सर आधार कार्ड में कुछ ऐसा? नहीं ऐसा ना, आधार कार्ड में नाम तो था। एक मिनट सर, ये तो इश्का है ना, बजरंगी। हाँ सही है, ठीक है सर, बजरंगी नाम तो लो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है, धन्यवाद। चलो ठीक है जी, तो सर ने सारे डाउट क्लियर कर दिए। किसी अभी ऐसा कुछ किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं, हम डायल 112 का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने मौके पर कार्रवाई को संभाला और पूरी जांच में हमारा साथ दिया। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।